कल मुझे इतना कुछ सुनाकर तू शान से चला गया था ना, आज मैं बोलूंगी और सबको चुपचाप सुनना होगा। जो कुछ भी हुआ इस घर में, ओमी और सोनाली को इतना बुरा लगा उस बात का कि उन्होंने ये घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। मैंने मनाया है ओमी को अपना फैसला बदलने के लिए, और ये लोग अब यही इसी घर में रहेंगे। अगर सही वक्त पर मेरी आंखें नहीं खुलती तो ये परिवार बिखर जाता। ये घर टूटने से मैंने बचाया है। आज तक मैंने पूरी जिंदगी इस घर को एक तरीके से चलाया है, लेकिन हाल ही में हुए वाकियों से मुझे ऐसे लगा है, यकीन हुआ है कि अगर मैं अपने तौर तरीके में जरा भी फेर बदल कर दूं तो ये घर टूटने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। मम्मी ने क्या करने वाली है? इस घर के कायदे कानून किसी भी सदस्य के लिए नहीं बदले जाएंगे। जैसा आज तक इस घर में चलता आया है वैसा ही चलेगा। किसी एक सदस्य के लिए मैं अपने कायदे कानून नहीं बदलूंगी। हर किसी को इस परिवार में अपनी उम्र, औदा, रिश्ता, योगदान और बर्ताव के अनुसार छूट दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि अश्विनी और उसके कुछ सगे अपनी जगह भूलकर अपनी मर्जी चलाने लगे हैं। लेकिन मैनी, हम तो आपके सभी नियमों का मान रखते हैं। मुझे नहीं लगता पिछले कुछ दिनों में किसी ने कोई हद पार की हो। तू तो हद पार करने वाली बात बोल ही मत नीना। आज की ये चर्चा तुम्हारी और अश्विनी की हरकत के लिए नहीं रखी गई है। फिर किस बारे में रखी है मामी? बताती हूँ। सई के साथ हादसा हुआ, वो हॉस्पिटल गई, ठीक होकर वापस आ गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी सब लोग उसकी जी हजूरी क्यों कर रहे हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी बड़ी मामी। एक बार कही बात समझ आती है पत्र लिखा, वही बात दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बोल रही हूँ ना, कोई और नहीं बोलेगा। पत्र लिखा? क्या सच में तुम सबका ध्यान इसी बात पे लगाना चाहती थी? अगर ये बात थी तो तुमने सीधे सीधे आकर मुझे क्यों नहीं पूछा? मैं आपसे क्यों कहती अश्विनी मामी, आप इस घर की मुखिया थोड़ी हैं। हाँ तो मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं इस घर की मुखिया हूँ। लेकिन जो बात चल रही है वो सही के बारे में, और उसके बारे में जो भी फैसला लिया वो मैंने लिया हुआ है, और वो मैं बदलने वाली हूँ। पत्र लेखा भाभी की चाल तो उल्टी पड़ गई। काकू नाम की तीर ने शिकार के साथ साथ शिकारी को भी जख्मी कर दिया। और अगर तू चाहती है ये तीर तुझे जख्मी, इंचोड़, लहूलुहान ना करे तो क्या करना है? चुप बैठना है। फहनी, मैंने इस बारे में आपसे बात की तो थी, अब वो मुद्दा खत्म हो चुका है। मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है अश्विनी, क्योंकि जब मैं ठंडे दिमाग से मुड़ के देखती हूँ तो समझ आता है कि तूने मुझसे कुछ नहीं कहा था, ना ही मेरी इजाजत ली थी। मुझे तुमने अपना फैसला सुनाया था, लेकिन तब मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि मेरी खामोशी से ही घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। अगर असली मायने में शांति चाहिए तो मुझे शोर मचाना ही होगा, और वही मैं आज कर रही हूं। काकू, आप आई को कुछ क्यों बोल रही है?
आपको अगर कुछ बोलना है तो आप सीधे मुझे बोलिए ना। चुप, बिल्कुल चुप। तो पता नहीं किससे बात कर रही है तू? भवानी नागेश चौहान से बात कर रही है। जब तक पूछा ना जाए गर्दन झुकी रहे और जुबान रुकी रहे, समझ लो। और तेरे आबा ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते? लेकिन अगर दो बड़े प्यार से बात नहीं कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलना पड़ जाता है। ऐसा भी क्या हो गया काकू जो अब मुझसे इतना गुस्सा हो गई है? ओ काकू, आपने सई को इतना प्यार दुलार सब कुछ दिया, अब ऐसा तो क्या हो गया है? अपनी गलती का एहसास। और अब मुझे इस घर के बाकी लोगों की भी गलती नजर आने लगी है। सबसे पहले तो मैं अश्विनी की गलती सुधारना चाहती हूँ। ये जो बार बार कहती है ना कि सई मेरी बेटी है, मेरी बहू है, और पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है। कोई बात नहीं, घर के छोटे अगर राह भटक जाए तो उन्हें सही राह पर लाना घर के बड़ों की जिम्मेदारी होती है। और इसका जीता जाता उदाहरण है ओमी और सोनाली। ये भी राह भटके थे, इन्हें मैं सही राह पर ले आई, और अब मैं इन दोनों को सही राह पर लाना चाहती हूं। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है, आज से विराट और सई अलग अलग कमरे में नहीं रहेंगे। बड़ी मम्मी को ऐसा करने की क्या जरूरत है? वहीनी, अब फिर से सई को निशाना बना रही है। मैं निशाना नहीं बना रही हूं, मैं अपने घर के कानून बचा रही हूं। आज तक इस घर की कोई भी बहू अपने पति से अलग नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन काकू, अगर सई वहीनी और विराट दादा एक दूसरे से अलग रहकर अपनी गलत फहमियां दूर करना चाहते तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और तुझे अपना मुंह माउथ मुख बंद रखने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बस वही नहीं बोलती है ना कप्पा, बस। आप भी तो अपने कमरे में रहती है ना काकू, अकेले। आपके पास भी तो अपना खुद का कमरा है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओ देवी जी, जबान चलाने के पहले दिमाग चला लिया करो। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है लड़की। तू अपनी तुलना वहीनी से कर रही है? सोनाली मामी, आप जो सोच रही है ना, सई ने उससे भी ज्यादा बुरी हरकत की है। ये खुद सुहागन है तो ये बड़ी मामी को विधवा होने का ताना मार रही है। क्या? थेवा रे थेवा। पाखी दीदी जो कुछ भी कह रही है वैसा बिल्कुल नहीं है काकू। पाखी दीदी जो कह रही है वो मैंने सोचा भी नहीं और मैं सोच भी नहीं सकती। फिर भी अगर मेरी बातों से ऐसा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आप भी तो अपने कमरे में अकेली रहती है ना, जैसे मैं अपने कमरे में अकेली रहती हूँ। सिर्फ इसलिए यह तुलना। तो मुझसे तुलना करने की कोशिश भी मत करना, ऐसा कभी नहीं होगा। और आइंदा भूल कर भी ये बात मत भूलना। अब जा, अभी के अभी अपना सामान पैक कर, तुझे विराट के कमरे में वापस जाना है। बहनी, आप ये सब अचानक क्यों कर रही? काकू, आप किसी और वजह से सही से नाराज है ना? सच सच बताइए। जो फैसले मुझे बहुत पहले लेने चाहिए थे वो मैं आज ले रही हूँ।
सई अलग कमरे में नहीं रहेगी, बस ये वही रहेगी जहां इसकी जगह है। इसके पति के साथ, पति के कमरे में है। अगर साई और विराट में थोड़ी सी फ्रेंडशिप या दोस्ती भी हुई ना, तो आप देखिएगा इन दोनों के बीच की कड़वाहट एकदम खत्म हो जाएगी। हाँ, अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है आप ये फैसला इसलिए ले रही है ना ताकि मेरा लिया हुआ फैसला बदल सके। लेकिन मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ बहनी। आपके दिल में मेरे लिए जो भी गुस्सा है, जो भी नफरत है, उसकी कीमत आप मेरे बच्चों के रिश्तों को दांव पे लगाकर मत वसूली। मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तुझे अपने फैसले की वजह बताऊं। मैंने जो कहा है वही होगा। सई वापस विराट के साथ उसके कमरे में रहेगी, बात खत्म। कैसी औरत है तुम? तुम्हारे बेटे और बहू को एक साथ रहने के लिए कह रही हूँ और तुम इसका विरोध कर रही हो? फैनी, आप अभी कोई भी फैसला मत लीजिए। आप भी ये भली भांति जानती है कि विराट और सही का एक दूसरे से दूर रहना कितना जरूरी है। ये फैसला मैंने यूं ही नहीं लिया है वैनी, एक एक्सपर्ट की राय ली है और उसके बाद में मैंने मेरा मन किया ये फैसला लेने का। और सच कहती हूँ वैनी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इन दोनों के रिश्ते को सुधरते हुए। एक साथ रहकर इन दोनों ने एक दूसरे पर जो घाव किए थे, जो दर्द दिया था, अब एक दूसरे से अलग रहकर उन्हीं जख्मों पर मरहम भी ये खुद ही कर रहे हैं। मैंने देखा है वो अपनी अपनी जिंदगी, बहुत ही अपनी अपनी जिंदगी। शादी के बाद पति पत्नी की कोई अपनी अपनी जिंदगी नहीं होती है, सब मायने में वो एक होते हैं। हर औरत को शादी के बाद ये बात समझाई जाती है। और कितनी शर्म की बात है कि तू इस बात को भूल गई। बड़ी मामी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपकी बात मैं समझती हूँ। जब से सम्राट घर में आए तो हम भी एक दूसरे को एक ही मान के चल रहे हैं ना। लेकिन बड़ी मामी, सई और विराट इनकी बात अलग है। और सई तो जब से इस घर में आई है तब से तो एक ही रिकॉर्ड बजाती आ रही है कि मेरी शादी शादी नहीं है, ये शादी सिर्फ एक डील है। और यहाँ तक कि इसने तो ये तक कह दिया है कि इसकी शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर इनके बीच कोई रिश्ता है ही नहीं तो आपका इसे शादी की अहमियत सिखाने का कोई मतलब नहीं है। आप खामखा इसके बीच अपना वक्त बर्बाद कर रही है। पत्र लिखा, बाकी दीदी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे विराट सर और मैं अपने अपने कमरे में अलग अलग रहते हैं, तो कोई अजनबी की तरह रहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जब से हम दोनों अलग अलग अपने कमरे में रहने लगे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मस्त मस्त, ये जो बीज तूने बोया है ना, आज वो पेड़ बन गया है। ये जो इन दोनों के दिमाग में तूने दोस्ती नाम का फितूर चढ़ा है ना, अब तू ही उसे उतार। अरे पति पत्नी के बीच ऐसा सब नहीं होता है। हम इन्हें किसी वजह से पति पत्नी बोलते हैं। अगर सई को इस घर में रहना है तो काकू चाहे जो भी हो जाए, सही कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। तो अगर इसे इस घर में रहना है तो इसे इस घर का हर नियम मानना होगा। किसी की बीवी
और किसी की बहू बनकर कैसे रहा जाता है इसे सीखना होगा। सिर्फ बहू नहीं बहनी, इस घर होम निवास की छोटी बहू बनकर कैसे रहा जाता है ये सीखना होगा इसे। बहनी ये यहाँ पर किसी की दोस्त या बेटी बनकर नहीं रह सकती, ये इसका ससुराल है, मायका नहीं। चाहे जो चाहे कर सके। अब मैं इस घर में इसकी और बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहनी, एक पौधे को पनपने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी मिलने पर उस पौधे की जान भी तो जा सकती है। बस सही और विराट का रिश्ता ऐसे ही पौधे की तरह है, इन दोनों का साथ रहना जरूरी है, हरदम पास रहना नहीं। अगर आप इन दोनों को एक ही कमरे में रखेंगी तो हो सकता है शायद इन दोनों में कड़वाहट पैदा हो जाए, तकरारें बढ़ जाए और बापा ना करे कि इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए। और अगर ये झगड़ा बढ़ गया तो, और फिर से सही ने इस घर को छोड़ के जाने का मन बना लिया तो? आपका लिया हुआ ये एक फैसला आपको जिंदगी भर पछताने पे मजबूर कर सकता है। तू बाद में की क्या बात कर रही है, मैं तो अभी पछता रही हूँ, इसीलिए तो अपने फैसले सुधारना चाहती हूँ। विराट और सई को पति पत्नी की तरह रहना सीखना होगा, फिर वो चाहे लड़े झगड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है ना भाई। आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर मैं मेरे विश्वास के खिलाफ गई ना तो वो मेरे बच्चों के लिए जान का खतरा बन सकता है। मैं इन दोनों के जीवन के साथ नहीं खेलना चाहती और ना ही मैं इतना बड़ा खतरा उठाना चाहती। मेरी बात मान लीजिए बहनी, आज छोड़ती हूँ। मैं भी कोई पत्थर की नहीं बनी हूँ, ठीक है? तुझे कुछ समय चाहिए ना, देती हूँ समय, पूरे 7 दिन। सातवें दिन दिवाली है, तब तक सही विराट के कमरे में शिफ्ट हो जानी चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब सब लोग देख क्या रहे हैं, चलो सब नाश्ता करते हैं। चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।